वंस अगेन वेलकम यू बैक ऑन करियर काउच में शुभांकर। दोस्तों, जैसे हम कई यूनिवर्सिटीज, कई कॉलेजेस, कई विषयों पर हम बात करते हैं, कई सब्जेक्ट्स पर बात करते हैं, आज का विषय है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जी हाँ, जिसको हम इग्नू के नाम से ज़्यादा बात करते हैं। इग्नू जो है ये सन 1985 में एक पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के तहत राजीव गांधी जी के रिजीम में इसको लाया गया। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी जी का एक बहुत बड़ा सपना था कि जो एक ऑल इंक्लूसिव एजुकेशन हो, जिसका विस्तारीकरण जो है हमारे गांव कूचे तक हो सके, उस सपने को पूरा करने के लिए ये जो है स्पेशल एक्ट का एक प्रस्ताव रखा गया था और इसको भारी मतों से ये पास भी हुआ था। वहाँ से इग्नू फॉर्म में आता है और आज इसको UGC भी रिकग्नाइज करती है। इग्नू अगर देखा जाए तो वास्तविक तौर पर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा का अगर बताया जाए तो बहुत बड़ा ये क्रांति था। आज के दिन में गांव-गांव में, उन रूरल एरियाज में जहां पे कि एक फॉर्मल स्कूल तक नहीं है, वहां के भी बच्चे अगर एजुकेशन पा पा रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा जो क्रेडिट है वो इग्नू को जाता है। दोस्तों, ओपन स्कूल, ओपन यूनिवर्सिटीज, ये जो ओपन एजुकेशन का जो सिस्टम आया, ये बहुत ज़्यादा दरकार है भारत जैसे एक देश के लिए। हमारे यहाँ का पॉपुलेशन बहुत बड़ा है और अगर हम इसे कवर करना चाहते हैं तो हमें इसका जो फैलाव है, अपने एजुकेशन के जो पंख हैं, उसका विस्तार जितना किया जाए उतना कम है। अभी भी ऐसे कई जो हैं डीप रूरल एरियाज हैं, या वो गहन जिसको कहते हैं, जो बहुत गहन जो गाँव हैं, जहाँ पर कि एक फॉर्मल एजुकेशन का पहुँचना बहुत मुश्किल है। लेकिन इग्नू जैसे संस्थाओं की वजह से आज वहाँ के बच्चे भी छोटे छोटे स्मार्टफोन्स अगर हो गया, या अगर इंटरनेट की अगर कहीं पे सुविधा अगर आंगनबाड़ी में भी है, तो वो भी वहाँ पे अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मनोरमा सिंह। डॉक्टर मनोरमा सिंह इग्नू लखनऊ की सीनियर रीजनल डायरेक्टर हैं और मैं बता दूँ, इनकी अपनी खुद की जो रिसर्च वर्क है, इनके पेटेंट्स इन्होंने अपने नाम किए हैं और आज इग्नू का जो विस्तारीकरण लखनऊ चैप्टर से हो रहा है वो वाकई काबिले तारीफ है। तो आइए, ज़्यादा बात को न बढ़ाते हुए हम अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं डॉक्टर मनोरमा सिंह जी का। डॉक्टर साहब नमस्कार, हमारे करियर काउच के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, हम जब इग्नू की बात करते हैं तो सबसे पहला जो चीज़ जो दिमाग में आता है वो ये है कि जो व्यक्ति इजीली फॉर्मल एजुकेशन या प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ नहीं देख पा रहा है, या वो व्यक्ति जो समय नहीं दे सकते, वो लोग जो कामकाजी व्यक्ति हैं, उनके लिए थोड़ा सा एजुकेशन आपने सरल करके उनके घर तक पहुंचाया, उनके हाथों तक पहुंचाया। जी। तो डॉक्टर साहब, मेन उद्देश्य देखा जाए तो इग्नू का है क्या इसमें? देखिए, इग्नू का मेन उद्देश्य है हायर एजुकेशन का डेमोक्रेटाइजेशन, इसको गांव-गांव तक ले जाना, और शिक्षा से वंचित जो लोग हैं, किसी वजह से जब उनकी उम्र थी उस समय शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए, आज ये उम्र का कोई भी बंधन इग्नू में नहीं है। मिनिमम एज बार 18 साल की है और मैक्सिमम एज बार कोई भी नहीं है। अगर आप नौकरी कर रहे हो, 10+2 के बाद आपको जॉब मिल गया है, अब आप जॉब के संग कैसे पढ़ोगे? तो आप इग्नू के माध्यम से आप पढ़ सकते हो और जॉब करते करते आप इग्नू से पढ़ाई अपनी पूरी कर सकते हो। और इसकी जो बहुत सारी इसकी फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं, अर्न वाइल यू लर्न, आप पढ़ भी रहे हो और उसके साथ साथ नौकरी भी कर रहे हो, ये बहुत बड़ी खासियत इग्नू की है। और इसका क्वालिटी मटेरियल हम लोग देते हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए। आज 200 से ज़्यादा प्रोग्राम इग्नू के हर फील्ड में हैं और हर फील्ड का जो मटेरियल है, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज, साइंसेज, कोई भी आप फील्ड देखें, उसमें इग्नू के कोई ना कोई सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम, मास्टर्स, बैचलर्स, इवन PhD तक है। और बच्चों को हाई क्वालिटी का मटेरियल हम लोग देते हैं और जो हमारा मटेरियल बनता है ये एक्सपर्ट्स हम ऑल ओवर द कंट्री लेते हैं। जैसे सोशियोलॉजी का कोई मटेरियल है तो ऑल ओवर द कंट्री से सोशियोलॉजी के एक्सपर्ट्स लेते हैं और फिर वो मटेरियल लिखते हैं जो टॉपिक उनको दिए जाते हैं, और फिर वो मटेरियल हमारा सेल्फ लर्निंग
मॉड्यूल में कन्वर्ट होता है। तो जब बच्चा हमारा पढ़ता है उसको लगता है टीचर इनबिल्ट है, टीचर उसको पढ़ा रहा है। तो इस तरह का मटेरियल हम लोग हाई क्वालिटी का देते हैं और इग्नू को कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के द्वारा मटेरियल के लिए भी अप्रिसिएशन मिला है और एक्सेलेंट मटेरियल के लिए अवार्ड मिला है। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जब आप कहते हैं ना कि रीचिंग डीपर इनटू द रूरल सेक्टर, उन गहन गांव में आप पहुंच जाते हैं, उन जहाँ पे जो पहले जो है हम लोग सोच ही नहीं सकते थे कि स्कूल्स आएंगी कैसे, वहाँ पढ़ाई कैसे होगी, वहाँ पे वहाँ के लिए आपने एजुकेशन को तो आपने बहुत ही नॉर्मलाइज किया, बहुत जनरलाइज किया। साथ ही साथ आप लोग एक बात और कहते हैं, रीचिंग द अनरीच सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो ये अनरीच सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आप कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, अनरीच सेक्शन ऑफ सोसाइटी कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति किसी कारणवश उच्च शिक्षा नहीं ले पाया, चाहे डिस्टेंस हो, जैसे बहुत सारी बच्चियां हैं आज भी अगर हम ग्रामीण अंचल में जाएं तो वहां पे भी पेरेंट्स लड़कियों को कॉलेज जाने के लिए मना करते हैं, या फिर हमारी ट्रांसजेंडर सोसाइटी है, या जेल इनमेट्स हैं, या ट्राइबल्स हैं जहां पे उच्च शिक्षा की कोई भी सुविधा नहीं है, और एकदम ग्रामीण अंचल में अगर उत्तर प्रदेश में आप जाएं, हमारे बुंदेलखंड एरिया में आप जाएं जहां दूर दूर तक कॉलेज नहीं है, तो वहां पे इग्नू ने अपने अध्ययन केंद्र खोले हुए हैं और अध्ययन केंद्र के माध्यम से बच्चा हमारा रजिस्टर हो जाता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, और बच्चा अपनी पढ़ाई को पूरी करता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें कॉलेज आने की आवश्यकता नहीं है, क्लासेस करना भी यहाँ पे कंपलसरी नहीं है। आपको कुछ असाइनमेंट्स देने होंगे, आप असाइनमेंट सबमिट कर दीजिए और एग्जामिनेशन दे दीजिए, और जो बच्चे जिनको अगर काउंसलिंग की क्लास की आवश्यकता है तो वो क्लासेस कर सकते हैं। और जनवरी और जुलाई दो बार हमारे एडमिशन होते हैं। इस समय जनवरी 2022 के एडमिशन्स हमारे ओपन हैं, जो बच्चे एडमिशन्स भी ले सकते हैं। और हम लोगों ने ट्राइबल्स के संग बहुत काम किया, थारू जनजाति के संग काम किया है, एसिड अटैक विक्टिम सर्वाइवर्स के संग काम किया है। तो हमारे 6-7 शीरोज हैंगआउट के बारे में आप जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे उनका सेंटर भी है, गोमती नगर में है। तो यहाँ से 6-7 बच्चों ने हमारे सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन कार्यक्रम किया है। अच्छा, और बहुत अच्छे से इसीलिए लोग रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं प्रोजेक्ट के तहत। वाकई काबिले तारीफ जी, सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम किया है। और उम्र का बंधन नहीं है इसमें। तो एक ओल्ड एज होम में हमारी एक महिला है, हम लोग ओल्ड एज होम में भी जाकर के प्रमोशन करते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से, तो वहाँ पे 87 इयर्स की महिला ने सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम किया। और उनका ये कहना है कि अब हम जो है इस कार्यक्रम को करने के पश्चात किस तरीके से मील्स दिए जाएंगे बुजुर्गों को, कैसे ब्रेकफास्ट दिया जाएगा, फिर कैसे उनको लंच दिया जाएगा, डिनर कैसे दिया जाएगा, क्या फ्रूट्स देने हैं क्या नहीं देने हैं, मैं अपना किचन मैनेज करूंगी। तो इस तरह के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जेल इनमेट्स जहाँ तक उच्च शिक्षा नहीं पहुंच पाती है, बहुत सारे बंदी भाई हमारे हैं जो इग्नू से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। मॉडल जेल लखनऊ में हमारा इग्नू का सेंटर है जहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम हम चलाते हैं, और वहाँ से छूटने के बाद रोजगार परक कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं वहाँ पे। छूटने के बाद अपना कोई व्यवसाय हमारे बंदी भाई अपना कर लेते हैं जिससे उनको उनका रोजगार मिल जाता है। डॉक्टर साहब वाकई सुन के बहुत खुशी हुई कि देखिए जिसको कहते हैं ना कि शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती, कोई बात उम्र आपने नहीं। सही में साबित कर दी। 87 साल की एक महिला वो एक सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए प्रेरित हो जाती हैं। तो डॉक्टर साहब इसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आखिर आप लोग प्रेरित करते कैसे हैं लोगों को? आपने कहा ट्रांसजेंडर्स को हमने वहाँ पे, तो कैसे करके उनको जो है हम प्रेरित करें कि वाकई उनको हायर एजुकेशन के लिए उनको आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, ऐसी कम्युनिटीज़ में हम लोग जाते हैं, पहले कम्युनिटी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कोई बहुत जल्दी तैयार नहीं होता उच्च शिक्षा में आने को, कहते हैं मैं क्या करूँगी इसको करके, या मैं क्या करूँगा, क्या मिलेगा इससे। लेकिन एक बार दो बार तीन बार उनसे की काउंसलिंग की जाती है और वो फिर उच्च शिक्षा से जुड़ जाते हैं। थारू जनजाति के संग हम लोगों ने काम किया है बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट के पास। तो वहाँ की जो जनजाति महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, खास तौर से हम लोग बच्चियों को एजुकेशन देने के उसमें रहते हैं कि बच्चियों को एजुकेशन मिल जाए। तो वहाँ की बच्चियों ने बहुत सारे कार्यक्रम इग्नू के ज्वाइन किए
और करने के पश्चात वो लोग अपने छोटे छोटे रोजगार कर रही हैं, जैसे बी कीपिंग का कार्यक्रम है, सर्टिफिकेट इन बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन। अब आपने ये कार्यक्रम कर लिया, फिर आप सरकार से, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, नॉलेज के संग संग सर्टिफिकेट भी है, वो भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट है, तो आप सरकार से लोन भी ले सकते हैं। अच्छा। तो छोटे छोटे बी बॉक्सेस रख करके तो वो इसका क्या टाइप है एमएसएमई के साथ? टाइप नहीं है, लेकिन बच्चियां ले लेते हैं। अच्छा। हाँ, हम लोग भी प्रयास करते हैं कि कैसे उनको हम लोग सरकार से लोन दिलवा दें। तो इसका कोई गाइडेंस सेल वगैरह कुछ आप लोग के इसमें कोई ऐसा कुछ डिजाइन? हम लोग क्षेत्रीय केंद्र पे ही अब बच्चों को बुला करके उनको समझाते हैं, या आजकल ऑनलाइन का जमाना है, गूगल मीट के माध्यम से उनको बताते हैं कि ये प्रोग्राम आप कर लो, ये आपके लिए बेनिफिशियल है। और इग्नू के पास 6 महीने के सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, जो UGC ने भी कहा है कि बच्चा कहीं से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है तो इग्नू के ये 6 महीने के रोजगार परक कार्यक्रम कर सकता है, जो उसके CV को तो एनरिच करता ही करता है, उसके अंदर स्किल भी आती है और नॉलेज भी होती है। तो उनका CV रिच होता है, कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो CV रिच होता है, और उससे जॉब की भी उनके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि उस फील्ड में उनको जॉब मिल जाए। लेकिन डॉक्टर साहब, सुदूर गाँव में रहने वाला व्यक्ति जी, उसको आपने किताब तो पहुँचा दी, उसने कहीं ना कहीं से पढ़ाई भी शुरू कर दी, लेकिन उसको इम्तिहान देने तो फिर वही शहर ही आना पड़ेगा। हाँ, एग्ज़ाम देने, जैसे हमने आपको अभी हम लोगों ने बात की कि सुदूर गांवों की बात हम लोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे सेंटर्स होते हैं जी, जिनको हम लोग लर्नर सपोर्ट सेंटर कहते हैं। वहाँ पे किसी बड़े डिग्री कॉलेजेस में सेंटर हो जाते हैं, बच्चा वहाँ पे आता है। अच्छा। तो वहाँ पे आके वो एग्ज़ाम देता है। जैसे बुंदेलखंड की बात कर लें या रुहेलखंड पीलीभीत की बात कर लें, तो पीलीभीत में हमारा सेंटर है, बच्चा वहाँ पे जाके एग्ज़ाम दे देगा। और एक सबसे बड़ी सुविधा ये है इग्नू में कि आप ऑल ओवर इंडिया एग्ज़ाम कहीं भी दे सकते हैं। अच्छा। जैसे कोई बच्चा हमारा लखनऊ का है और वो पढ़ रहा है, और उसकी मान लीजिए जॉब लग गई मुंबई में, तो वो बच्चा मुंबई में जा कर के अपने एग्ज़ाम दे सकता है। अच्छा। या मुंबई का बच्चा लखनऊ में आके एग्ज़ाम दे सकता है, क्योंकि इसका नेशनल ज्यूरिसडिक्शन है। हम लोग अपने अगर विश्वविद्यालय तो कैसे करके आप लोग मैनेज करेंगे कि वो किस सेंटर में बच्चा जाएगा, कैसे करके उसको सेंटर मिलेगा? देखिए, एक तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की सुविधा है। तो बच्चा जब ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरता है तो उसके पास पूरे एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट आ जाती है कि इस सेंटर पर एग्ज़ाम हो रहा है, बच्चा वो एग्ज़ाम सेंटर भर देता है। मान लीजिए बच्चे को उस एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम नहीं देना है, तो अब विश्वविद्यालय ने कहा है कि एक बच्चों को एक ऑप्शन दे दिया है कि वो अपने आप एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर सकते हैं, तो बच्चा एग्ज़ाम सेंटर भी चेंज कर सकता है। अगर जम्मू कश्मीर में भी बच्चा है तो वहाँ भी एग्ज़ाम दे सकता है, लद्दाख में भी बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है। तो इस तरह से हमारा नेशनल नेटवर्क है, पूरे देश का ज्यूरिसडिक्शन है हमारा, और इंटरनेशनल प्रेजेंस है, तो विदेशों में भी हमारे एग्जाम होते हैं और अपने देश में तो होते ही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बात करते हैं, आपने एक टर्म यूज़ किया था कि आप इग्नू जो है वो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी और इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी की जो बात करते हैं जी, तो ये कैसे डिफरेंट होता है जो कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था? तो आज इग्नू ने ऐसा कौन सा बदलाव लाई है कि जिस वजह से ये फ्लेक्सिबिलिटी का क्लेम जो है ये आप करते हैं? ये शुरू से ही इग्नू में फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे कन्वेंशनल सिस्टम में अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे तो मात्र 3 साल में आपको ग्रेजुएशन करना है। Okay. उसके बाद उसके अपर कोई मतलब सही नहीं है कि आप 3 साल के बाद भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। Okay. लेकिन इग्नू में ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसको 6 साल में आप कर सकते हैं। अच्छा। और एग्ज़ाम की भी फ्लेक्सिबिलिटी है, मिनिमम अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो पहला एग्ज़ाम 1 साल के बाद ही आप करेंगे, पहला एकेडमिक ईयर कम्प्लीट करने के बाद। उसके बाद 6 महीने के बाद आप फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं, आप 2 पेपर के एग्ज़ाम दे सकते हैं, 2 पेपर के एग्ज़ाम आप बाद में दे सकते हैं। फिर अगर आपको ये लगता है कि अच्छा, अब बीच में फर्स्ट ईयर करने के बाद आपने कहीं जॉब ज्वाइन कर ली, तो सेकेंड ईयर में फिर से जब आपको लगता है कि हमें इग्नू कंटिन्यू करना है, तो सेकेंड ईयर में आप एडमिशन लेकर के जो आपका मैक्सिमम टाइम पीरियड है 6 साल का, उसमें आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा लचीलापन है जो हमारे, और दूसरा लचीलापन ये है कि कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम हम लोग नहीं कराते हैं। अगर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होते हैं, सिर्फ बीएड में और बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम हमारा है जिसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम सिर्फ आप इंटर पास हैं, किसी वजह से कोई बच्चा अगर इंटर में अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो वो इग्नू ज्वाइन कर सकता है।
कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, कोई मेरिट नहीं है और आप इग्नू सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिग्री, जैसे आपने कहा कि ग्रामीण अंचल में बैठ करके आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिग्री ले सकते हैं। ओके डॉक्टर साहब, अब थोड़ी बात करते हैं प्रोग्राम्स के ऊपर, क्योंकि जैसे आपने बताया था कि बहुत ही कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं दोस्तों इग्नू के पास जो वाकई अगर देखा जाए तो कन्वेंशनल प्रोग्राम से बहुत डिफरेंट है। कुछ ऐसे छोटे छोटे माइक्रो प्रोग्राम्स बनाए गए, सर्टिफिकेट कोर्सेज बनाए गए, ताकि जो व्यावसायिक शिक्षा है उसको एक पूरा एक आधार मिल सके। अब कुछ मैं थोड़े से छोटे छोटे एग्जांपल्स लूंगा, जैसे आपने अभी मधुमक्खी पालन की बात की, या आपने एक फर्स्ट एड का आप लोग एक सर्टिफिकेट कोर्स चलाते हैं जो कि पीजीआई के साथ आपका टाइप भी है, उसी प्रकार से नर्सिंग की वो कराई है आपने जो कि नर्सिंग काउंसिल अब आपकी शायद बीएससी नर्सिंग को प्रोग्राम को रिकॉग्नाइज भी करता है, पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब वो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से भी रिकॉग्नाइज्ड है। इसी तरीके से हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट से छोटे छोटे और माइक्रो कोर्सेज जो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, जैसे जेरियाट्रिक केयर और होम हेल्थ केयर, इसके विषय में डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग फर्स्ट एड की बात करें, सर्टिफिकेट इन फर्स्ट एड प्रोग्राम की, तो ये फर्स्ट एड जो है ये 6 महीने का हमारा प्रोग्राम है और 2 साल में बच्चा इसको कर सकता है और 8th पास बच्चा होना चाहिए, इसमें उम्र का बंधन नहीं है, कोई भी इसको इस कार्यक्रम को कर सकता है। और इसमें 2 कोर्स हैं, एक तो प्रैक्टिकल है, दूसरा एक थ्योरी कोर्स है, जो थ्योरी बताएगा फिर उसका प्रैक्टिकल है। तो किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी कोई समस्या हो गई, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया मान लीजिए, तो अब जो इमीडिएट फर्स्ट एड उसको देना है, वो डॉक्टर के आने के पहले हम लोग जो उसको फर्स्ट एड दे करके उसको बचा सकते हैं, वो सारी जानकारी इसमें दी जाती है। अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, ब्लीडिंग बहुत हो रही है, तो अगर किसी ने ये सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया है तो उसको पता रहेगा कि किस तरह से हमें ब्लीडिंग को रोकना है, किस तरह से पट्टी बांधनी है, या फिर तुरंत फर्स्ट एड कैसे करना है। लेकिन डॉक्टर साहब माफ करिएगा, मैं थोड़ा बीच में मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, मैं जानना चाहूंगा, देखिए फर्स्ट एड एक ऐसी चीज है जो कि जनरली सबको जानना चाहिए, राइट? और कॉमन धारणा ये है कि फर्स्ट एड तो ये एक घरेलू जानकारी जैसा, घरेलू जानकारी, तो फिर इसका जॉब ओरिएंटेशन कैसे होगा? जॉब ओरिएंटेशन की, जैसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं तो हॉस्पिटल्स वगैरह में जॉब मिल जाते हैं बच्चों को ये करने के पश्चात, और अपना बहुत सारे लोग हेल्थ केयर सिस्टम में आना चाहते हैं, और हेल्थ केयर की अब हमारे कंट्री को वर्कफोर्स की ज़रूरत है कि ट्रेंड वर्कफोर्स हमारे पास हो, जिससे कभी भी किसी को आवश्यकता कुछ पड़े तो कोई भी उसके रेस्क्यू में आ सके। जैसे कभी कभी एक्सीडेंट के दौरान ये होता है कि लगता है कि आदमी की सांसें नहीं चल रही हैं, तो उस समय हम ऐसा क्या करें कि उसको फिर से, जैसे ब्रीदिंग टेक्निक सिखाई जाती है बच्चों को कि किस तरह से आपको हार्ट को पंप करना है, फिर रेस्पिरेशन कैसे उसका करना है, उसके कपड़ों को लूज करना है, तो ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं। और बहुत सारे एनजीओस हैं जो इस कोर्स को कर रहे हैं, हमारे सबको ज़रूरत है, गृहिणी को भी उसकी ज़रूरत है। और इसमें ख़ासतौर से फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए, हम लोग के घर में सब कुछ तो होता है लेकिन फर्स्ट एड बॉक्स नहीं रहता है। सही बात है, कई गाड़ियों में नहीं रहती, गाड़ियों में नहीं रहता है जी। तो फर्स्ट एड बॉक्स में हमें क्या क्या रखना है, ये सारी चीज़ें इस कार्यक्रम में बताई जा रही हैं। और ये बहुत पॉपुलर प्रोग्राम है इस समय, तो ये कोरोना की वजह से सारी चीज़ें वर्चुअल मोड में ही चल रही हैं, अदरवाइज पीजीआई में जा कर के बच्चे देखते हैं कि किस तरीके से फर्स्ट एड देना है, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वहाँ पर देखते हैं, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, और इस समय वर्चुअल मोड से ही ट्रेनिंग हमारी कराई जा रही है। और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, और एक रूरल आपका टूरिज्म से रिलेटेड प्रोग्राम है जी, आपने सर्टिफिकेट इन टूरिज्म स्टडीज है, फिर उसी का डिप्लोमा है जी, उसी का मास्टर्स है जी। तो अगर जैसे अब यूपी में टूरिज्म का बहुत स्कोप है, ट्रैवल मैनेजमेंट, उसमें बहुत सारी चीज़ें, इवेंट मैनेजमेंट, सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। आजकल लोगों को इवेंट मैनेजमेंट है, किसी को बर्थडे पार्टी भी करनी होती है तो इवेंट मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, तो ये कार्यक्रम भी हमारा बहुत अच्छा है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आपने एक एक विशेष आपने एक फील्ड बताया था जो कि था काउंसलिंग एंड होम फैमिली थेरेपी, फैमिली थेरेपी जी। ये काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी क्या है? देखिए, इसके ऊपर आपने मास्टर्स कोर्स, आप लोगों मास्टर्स भी है, मास्टर्स कोर्स हमारा है। जैसा फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी
तो ये 2 साल में मास्टर्स कोर्स हमारा कर सकते हैं या मैक्सिमम 4 ईयर्स. 4 ईयर्स में इसमें कुछ प्रैक्टिकल कंपोनेंट भी होते हैं, डिसर्टेशन भी होता है, प्रोजेक्ट वर्क भी होता है. और इस प्रोग्राम की बहुत डिमांड आजकल हो गई है. जिस तरह से लोग आजकल स्ट्रेस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, और जैसे कोरोना पैंडमिक ही है, तो 3 साल से हम लोग की फैमिली लाइफ सबकी डिस्टर्ब्ड है, और किसी की फैमिली में कोई ना कोई मिसहैपनिंग ज़रूर हुई है, और लोगों की फैमिली भी आजकल जैसे बिखरते हुए घर हो रहे हैं. पहले कंबाइन फैमिली होती थी. अच्छा, फैमिली थेरेपी मतलब वो फैमिली से रिलेटेड वो इश्यूज जिसकी वजह से घर का माहौल खराब हो रहा है. जी, जी. जरूरी नहीं है कि ये कोई डिवोर्स का ही कोई मामला हो या हस्बैंड वाइफ का मामला. सारी चीजें इसमें है. बच्चों से रिलेटेड बातें होती हैं, या आप स्ट्रेस में हैं, टेंशन में. साइकोलॉजिकल ज्यादा है. साइकोलॉजिकल ज्यादा है. जी जी. और इसका इसमें फिर वही है कि आप 1 साल का करेंगे तो आपको पीजी डिप्लोमा मिल जाएगा, और 2 साल का करेंगे तो आपको मास्टर्स डिग्री मिल जाएगी. डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम दे सकते हैं. अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हमें आईसीटी के बारे में थोड़ा जानकारी दें. हाँ, जैसे देखिए, जब कोरोना पैंडेमिक शुरू हुआ तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है तो एजुकेशनल सेक्टर को हुआ है. छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाए 3 साल से, तो उनको अब आईसीटी के माध्यम से ही वर्चुअल मोड से ही पढ़ाया जा रहा है. इसी तरीके से इग्नू शुरू से ही आईसीटी मोड है में पढ़ाती है अपने बच्चों को. इग्नू का एक ज्ञान दर्शन चैनल है. तो ज्ञान दर्शन चैनल हमारा 24/7 है. घर बैठ करके उच्च शिक्षा बच्चा ले सकता है. अगर वो क्लास नहीं कर सकता है, लेक्चर्स उसमें रहते हैं. हाँ, आईआईटी के आपके एक्सपर्ट रहते हैं, आईआईएम के एक्सपर्ट रहते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के एक्सपर्ट्स रहते हैं, वो अपने लेक्चर्स देते हैं, और वो 24/7 चलता है. जब आप फ्री हैं, आप ज्ञान दर्शन चैनल को ट्यून इन कर लीजिए और उस पर आप पढ़िए. दूसरा स्वयं प्रभा चैनल इग्नू, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्वयं प्रभा चैनल है, जिसमें 4 चैनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इग्नू को दे रखे हैं. चैनल 17, 18, 19, 20. और अब ये कहा गया है, अगर हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, तो अब ये कहा गया है कि रीजनल लैंग्वेजेस में बच्चों को पढ़ाना है. अगर उड़ीसा का बच्चा है तो उसको उड़िया में पढ़ाना है, गुजरात का बच्चा है तो गुजराती में पढ़ाना है. तो इसी तरह से एक ये काम क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ को भी दिया गया है कि हम लोग हिंदी भाषा में बच्चों को पढ़ाएंगे. तो हमारे यहाँ एक स्टूडियो है, और बच्चों को हम लोग भी एक्सपर्ट बुलाते हैं, वो अपने लेक्चर्स लेते हैं, और बच्चों तक ये फिर स्वयं प्रभा में ये वीडियोस अपलोड हो जाते हैं, और बच्चे घर बैठ करके पढ़ सकते हैं. इसी तरह से ज्ञानवाणी चैनल एक है, रेडियो के माध्यम से, रेडियो हर घर में है, मोबाइल में रेडियो है. तो ज्ञानवाणी चैनल है जो ऑल इंडिया रेडियो में रहता है, और उसकी फ्रीक्वेंसी है 105.6 MHz, जिसमें बच्चे ट्यून इन कर सकते हैं 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम, और पढ़ सकते हैं. फिर इग्नू की वेबसाइट पर बहुत सारे ऐसे लिंक दिए हुए हैं. सारा हमारा मटेरियल जो है, इग्नू का मटेरियल डिजिटल फॉर्म में आ गया है. तो ई ज्ञान कोश है, जहाँ पे इग्नू का मटेरियल हमारा है, और बच्चे उसको पढ़ सकते हैं. तो अगर आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, तो आप घर बैठ करके उच्च शिक्षा ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं. डॉक्टर साहब, ये सब तो बातें हो गई एजुकेशन से रिलेटेड, प्रोग्राम से रिलेटेड, जो आपने बहुत खूबसूरती से समझाया. लेकिन एक बहुत ही आम धारणा हुआ करती थी, आई एम सॉरी, बट एक समय था कि कहते थे कि अच्छा, इग्नू का डिप्लोमा है, इग्नू का आपके पास डिग्री है, तो थोड़ी सी बात ये हो जाती थी कि क्वालिटी कंसर्न हो जाता था. लोग कहते थे पहले प्रेफरेंस जो होता था, आज भी बच्चों का जो प्रेफरेंस होगा, वो पहले वो फॉर्मल एजुकेशन या जिसको आप कन्वेंशनल स्टडीज़ कहते थे, उसी की तरफ उनकी प्रायोरिटी होती है. फिर जब नहीं हो पाता है तो इग्नू की तरफ सोचते हैं. तो अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इग्नू का इतना अच्छा है, तो फिर आज भी ये सेकंड चॉइस क्यों बना हुआ है? देखिए, अब थोड़ा सा रुझान बच्चों का, जो हम लोगों ने एनालिसिस की है, थोड़ा सा रुझान बदल गया है. अब बच्चे 10+2 के बाद ही डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे किस फील्ड में जाना है. जैसे किसी को सिविल सर्विसेज में जाना है, तो वो 3 साल में इग्नू से ग्रेजुएशन करता है और सिविल सर्विसेज की तैयारी करता रहता है. 3 साल के बाद जब वो मिनिमम एलिजिबिलिटी उसके सिविल सर्विसेज की हो जाती है, तो वो 1-2 साल में सिविल सर्विसेज निकाल लेता है. ऐसे कोई बच्चा अगर मेडिकल की तैयारी कर रहा है और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है,
वो एक दो ज्वाइन कर लेता है, उससे उसका नुकसान नहीं होता। और अब बच्चों का जो हम लोग देख रहे हैं रुझान इग्नू की तरफ आ रहा है, क्योंकि उनको साथ ही साथ कंपटीशन की भी तैयारी करनी है, साथ ही साथ उनको ग्रेजुएशन की डिग्री भी लेनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी लेनी है। तो अब रुझान इग्नू की तरफ लोगों का बहुत है। ये इससे पता चलता है कि हमारा जो 30 लाख स्टूडेंट्स हमारे पास इस समय हैं और एनुअल एनरोलमेंट हमारा 7 लाख 8 लाख के आसपास आता है, तो बच्चों का रुझान है। और ग्रामीण अंचल में भी लोग बहुत, क्योंकि यही एक ऐसी शिक्षा है, पद्धति है जो ग्रामीण अंचल के लोगों को तक पहुंच पाती है, तो रुझान अब इग्नू की तरफ लोगों का आ रहा है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए समय निकाला, आप हमारे स्टूडियो तक आए, आपने करियर काउच के दर्शकों को बताया कि इग्नू कितने प्रकार के जो है कोर्सेस आपको ऑफर करती हैं और इन कोर्सेज के माध्यम से कितने दरवाजे आप लोगों के लिए खुल जाते हैं। आप अगर कहीं कोई काम कर रहे हैं, कहीं किसी जॉब में हैं, तो भी आप अपना फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों ये एपिसोड आप लोगों के लिए वाकई बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और अगर आप इस प्रोग्राम को वाकई पसंद करते हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आइए चलते हैं शिमुल मैम के पास। हेलो स्टूडेंट्स, तो ये थी डॉक्टर मनोरमा सिंह जो कि रीजनल डायरेक्टर फॉर इग्नू है, और आज हम लोगों ने बात की इग्नू के कोर्सेज के ऊपर जो कि प्रोफेशनल कोर्सेज, आप लोगों को बहुत अच्छे से आज मैम ने बताया। तो दोस्तों जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में हम लोग ने आपको बताया था करियर काउच गुरुज के बारे में, तो जल्द ही हर शहर में आपके पास करियर काउच गुरुज जल्द पहुंचने वाले हैं। तो कोई भी हायर स्टडीज़ या कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में जानकारी के लिए देखना मत भूलिएगा करियर काउच विद शुभांकर, और हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं फॉर एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एनी हायर स्टडीज़, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। और एक इन्फॉर्मेशन वो गुरुज के लिए, वो टीचर्स के लिए जो हमारे साथ करियर काउच गुरुज के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो हमसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। अगर आप प्रोफिशिएंट हैं आपके पर्टिकुलर किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट करिए। और आप इस देश के किसी भी कोने में अगर बैठे हुए हैं और स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, तो हमसे ज़रूर संपर्क करिए आप। तो दोस्तों आशा है हमारी आज के एपिसोड आपको बहुत पसंद आया, और कुछ इसी तरीके से न्यू और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ हम अगले हफ्ते आपसे ज़रूर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए करियर काउच विद शुभांकर। टेक केयर, बाय बाय।